हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू चेक वेदर द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सो देखिए, हमें ये हमारे पास 8 पार्ट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के और हमें बताना है कि ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं या नहीं है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इस रूप की होगी, जहां पर ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, मींस ए शुड बी नॉन जीरो। नाउ वी सी द फर्स्ट पार्ट। इन दिस वी आर गिवन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस थ्री। तो अब ये देखो, हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस सिक्स। नाउ टू एक्स एंड टू एक्स इज कैंसल्ड आउट, हेंस इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। तो आप ये देखो कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो आई है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो इस फॉर्म की मिल रही है, तो इसलिए आप बोलेंगे कि हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी तरीके से आप देखो, सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू थ्री माइनस एक्स इन द ब्रैकेट। तो अब ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू ये आ गया माइनस छह प्लस टू एक्स। अब सभी टर्म्स को आप एक तरफ लेके आ जाओ, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ चाहे राइट हैंड साइड में, मतलब एक तरफ आपको जीरो बनाना है। तो आप ये देखो, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अगेन आप ये देख रहे हो कि ये जो इक्वेशन है वो भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो रूप की है, मींस जो सबसे बड़ी पावर है वो एक्स स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब ए जीरो नहीं है मतलब एक्स स्क्वायर तो होनी ही चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो या ना हो लेकिन एक्स स्क्वायर का टर्म तो जरूर होना ही चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा, दिस इज अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो तीसरे वाले पार्ट पर चलते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस थ्री। तो अब ये देखो आप, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। तो अगेन आप ये देख रहे हैं कि देखो, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम एक तरफ सभी टर्म्स को लेके आ जाएं तो मान लीजिएगा जैसे आप राइट हैंड साइड वाले सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ रहे हैं, तो देखो ये माइनस टू एक्स और ये एक्स मिलकर माइनस एक्स माइनस टू, अब साइड ट्रांसफर कर रहे हैं तो माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो आ गया, सो इट विल बी माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब यहां पर ये देखो कि आपके पास ये जो इक्वेशन आई है सिंप्लीफाई करके, क्या ये एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें आ रहा है, तो आपको पता लग रहा है कि ये तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इस फॉर्म की है ही नहीं, क्योंकि यहाँ ए बेसिकली जीरो है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है, तो आप बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसलिए मैंने यहां पर क्रॉस का चिन्ह बना दिया। अब देखिए फोर्थ पार्ट पर आते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आपको बोला गया कि एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस फाइव। तो देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा लेफ्ट में टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। तो अभी ये देखो, हम ट्रांसफर करते हैं सभी टर्म्स का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री माइनस फाइव एक्स इक्वल टू जीरो, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो आप दोबारा देखो कि ये आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म की आ गई, यहाँ पर ए जीरो नहीं है, तो देखो यहाँ पर ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब वन होता है। तो इस तरीके से ये समझ में आ गया कि दिस इज अगेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ पार्ट। इन दिस पार्ट वी आर गिवन टू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन। तो देखिए यहां पर लिख लेते हैं, टू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन। तो देखिए मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव। तो अब ये देखो, सभी को ट्रांसफर कर देते हैं, राइट हैंड साइड वाले सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखो, ये तो टू एक्स स्क्वायर था, ये मिलकर माइनस सेवन एक्स हो गया प्लस थ्री। अब ट्रांसफर करूंगा तो देखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। सो ऑन सिंप्लीफाइंग, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर, माइनस सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस एक्स दिस विल बी माइनस इलेवन एक्स, एंड थ्री एंड फाइव ऑन एडिंग इट विल बी एट। सो अगेन इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, हेंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए छठे वाले भाग पर आ जाते हैं। तो छठे पार्ट में आपको बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ये आपने कर दिया। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हम ओपन कर देते हैं फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। देन एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर आर कैंसल्ड आउट इन एल एच एस एंड आर एच एस, सो इट विल बी सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब आप ये देखो कि ये आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट तो रख ही नहीं रही ये वाली इक्वेशन, तो इसके लिए ये आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं होगी, इसलिए यहां पर मैंने देखो क्रॉस का साइन बना दिया। अब देखो सेवेंथ पार्ट पर आते हैं। सेवेंथ पार्ट में आपको बोला गया है कि एक्स प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो देखिए सेवेंथ पार्ट को लिख लेते हैं यहां पर हम, वी आर गिविन दैट एक्स प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। सो दिस विल बी एक्स प्लस टू का होल क्यूब मीन्स एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस टू इक्वल टू ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एफ एक्स। अब ये देखो आपके पास हो जाएगा, अगर हम इन सभी टर्म्स को ट्रांसफर करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखो एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स, टू एक्स क्यूब इज ट्रांसफर टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बी माइनस टू एक्स क्यूब एंड दिस विल बी प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो। तो अब ये देखो एक्स क्यूब और माइनस टू एक्स क्यूब ऑन सिंप्लीफाइंग इट विल बी माइनस ऑफ एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर के टर्म्स यदि हम लिखें तो देखो ये प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ट्वेल्व एक्स प्लस टू एक्स विल बी फोर्टीन एक्स एंड प्लस एट इक्वल टू जीरो। तो अभी आप ये देखो कि ये आपके पास एक्स क्यूब का टर्म भी रख रही है ये वाली इक्वेशन, लेकिन आपको पता है कि कोई भी यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ही होनी चाहिए, मतलब जो उसका सबसे बड़ा पावर वाला टर्म है वो एक्स स्क्वायर का होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो माइनस एक्स क्यूब दिखाई दे गया, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट मींस एट पार्ट, वी आर गिवन दैट एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल क्यूब। तो वी राइट डाउन दिस, एक्स माइनस टू का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो देखो यहां पर हम ओपन करते हैं एक्स माइनस टू का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस एट माइनस सिक्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। देखिए अब एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब आपके पास कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस एट माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स इक्वल टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। नाउ माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड वन इज ट्रांसफर टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बी माइनस का टू एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। अब आप ये देखो कि ये जो आपके पास इक्वेशन आई है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट तो रख ही रही है और सबसे बड़ा टर्म भी यही है, तो आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी।